हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं जो क्वेश्चन अभी तक आपके एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आप सभी को पता होगा लगभग 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को देखकर हमें पैटर्न समझ में आता है कि आजकल एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। तो अभी 2 अगस्त और 3 अगस्त की सुबह जो एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जितने क्वेश्चंस मेरे पास है। अगर कोई भाई या बहन अब एग्ज़ाम दे के आया है और उसके पास कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन करके क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा ताकि हम और स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर पाएँ। तो शुरू करते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए। मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि मुझे भी पता है ये एग्जाम टाइम है और यहां पर आप नहीं चाहेंगे कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेने के लिए माफी चाहता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हर रोज मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखे हुए आप लोगों के सामने देता रहूंगा। ये वही क्वेश्चंस होंगे जो आप मुझे बताएंगे। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं आज क्योंकि आज से स्टार्ट किया है, तो क्वेश्चंस जो भी आप बताएंगे मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चे अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन भेज देते हैं, फिर आप बोलते हैं सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो आप जो भेजेंगे वही मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। तो कोशिश करिएगा सही क्वेश्चन आप मेरे तक भेजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछा गया आईने अकबरी के किसके द्वारा लिखी गई, तो करेक्ट आंसर होगा अबुल फैजल। दूसरा, जीएसटी काउंसिल परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33। साइलेंट क्राई किसके द्वारा लिखी गई, ओजरबेग करके एक नाम है, OZE ओजरबेउ, तो याद देख लीजिएगा आप साइलेंट क्राई का लेखक कौन है। गन मेटल के अंदर मिक्सचर में, गन मेटल का जो मिक्सचर होता है वो किस किस से बना होता है, कॉपर, जिंक और टिन से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 से। भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तमिलनाडु का। गुरजीत कौर का संबंध किससे, हॉकी से। अगर दूसरा गुरमीत कौर पूछा है तो क्रिकेट से, लेकिन अगर गुरजीत कौर पूछा है तो हॉकी से। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। हाईकोर्ट जो जज है उसे शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर। हाईकोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है, छुआछूत के अंत से। अगर पूछे आर्टिकल 15 का किससे है तो धर्म, जाति और सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बताया गया है किस पर, आर्टिकल 15 के अंदर। अभी इससे रिलेटेड एक मूवी भी आई थी तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया एग्जाम में, आयुष्मान खुराना की थी, आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 26 दिसंबर 1925 को। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 से 35 ये कवर करता है। क्वेश्चन दूसरा पूछा गया, USSR जो हमारे USSR से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, मौलिक कर्तव्य है। कहाँ से, USSR से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है, आर्टिकल 55 के तहत होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन या इलेक्शन। संसद का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, एडविन लुटियन से। तो संसद का डिज़ाइन पूछा है, हो सकता है इंडिया गेट का आने वाले एग्जाम में पूछ ले आपसे, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, तो इसे भी आप याद करेंगे। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2022 के आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे, इंग्लैंड में होंगे। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह पूछा था तो वो बुध है। सियाचिन विवाद किस किस के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, एच एल दत्तू, पहले हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं एच एल दत्तू। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, सिराजुद्दौला। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, Washington DC। टाइपराइटर की खोज किसने की थी, विलियम ए बर्ट। USA नेशनल गेम, USA का, अमेरिका का नेशनल गेम क्या है, बेसबॉल खेला जाता है डायमंड पर। जैसे पूछ जाता है क्रिकेट किस पर खेला जाता है, पिच पर, तो बेसबॉल खेला जाता है डायमंड पर। रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो रेबीज से प्रभावित होता है हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। गाइज मैं टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड ये जो टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, आपको कौन सा खेल किससे संबंध है, कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो आपको एक आइडिया लग रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी करें। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ओडिशा का नृत्य क्या है, ओडिसी। अगला, क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, लॉर्ड्स।
G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ओसाका के जापान में। 2020 का कहाँ पर होगा, सऊदी अरब के अंदर। 2019 का हुआ है ओसाका जापान में, 2020 का होगा सऊदी अरब में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757। हो सकता है बक्सर का युद्ध पूछ ले, वो हुआ था 1764 में। FD किस समिति की सिफारिश पर, FD का मतलब है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो है, ये किस समिति की सिफारिश पर अपनाए गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। पूछा था बिकम बुक्स किस, ये किसके द्वारा लिखी गई है बिकमिंग बुक्स, तो मिसाइल ओबामा के द्वारा। 100 मीटर ग्लोबल रेस में गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है दूती चंद ने। तो माफ़ करिएगा आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रखी है तो शायद इतना क्लियर ना हो। कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, राष्ट्रकूटों द्वारा। तूतीय हिंद अमीर खुसरो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में आता है, अनुच्छेद 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कुछ क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस थे गाइस जो आपके अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं डेली आपको दोपहर को या फिर शाम तक एक वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराऊंगा, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिखा हुआ होगा वीडियो मिलेगा, PDF भी आपको शाम तक हर रोज़ आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ज्वाइन करना है, हर रोज़ शाम को 8 बजे आपके पास ये PDF भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, पसंद आए हर रोज़ लिखे हुए क्वेश्चन, ना इधर झांकने की ज़रूरत ना उधर। जो क्वेश्चन आप भेजेंगे और जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है उनसे रिक्वेस्ट है, वो क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा, ताकि आपके दोस्तों का, भाइयों बहनों का भी, औरों को भी फ़ायदा मिले, जैसे कि आप लोगों को फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो लगा कैसा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।